आज पीपल फार्म के किचन से मैं आपके साथ एक हीलिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम स्किन केयर के लिए बाजार से तरह तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पर आज इस रेसिपी से आप घर पे ही एक ऐसा ऑयल बना सकते हैं जिससे आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैलेंडुला के फूलों से जो ये तेल बनता है उसको आप मॉइस्चराइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एंटी ब्लेमिश एंटी रिंकल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्कार है या कोई छोटा मोटा कट है तो उसका भी ये इलाज कर देता है। ये जो ऑयल है इसे आप घर पे ही बनाइए, क्योंकि इससे आपको श्योरिटी रहेगी कि ये बिल्कुल प्योर है। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। कैलेंडुला ऑयल बनाने के लिए मैं अपने बाग में लगे हुए ऑर्गेनिक फूलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। कैंची की मदद से इन फूलों को आप काट लीजिए। इस पौधे की खासियत ये है कि जब आप एक फूल निकालते हैं तो उसकी जगह नए फूल जगह ले लेते हैं। इन ताज़े फूलों की पंखुड़ियों को हम हल्के हाथ से अलग करेंगे। अब एक साफ कपड़ा लीजिए और अपने घर के उस कोने में इसको बिछा दीजिए जहाँ पे आप बिना इसे हिलाए कुछ दिन पंखुड़ियों को सुखा सकते हो, और ऊपर से एक और साफ कपड़ा उसे ढकने के लिए डाल दें। इन पत्तियों को पूरी तरह से सूखने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे। जब ये पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएं, तो इसको एक साफ एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लीजिए। अब ऑयल बनाने के लिए हमने एक आधा किलो का जार लिया है, उसमें आप 2 मुट्ठी सूखे हुए फूलों की जो पत्तियां हैं वो सबसे पहले डाल दीजिए। अब इस जार को आप अपने मनपसंद किसी भी तेल से भर दीजिए। इस रेसिपी के लिए हम बादाम का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें नारियल तेल भी डाल सकते हैं। अब इस जार को एक कपड़े से ढककर 3 से 4 हफ्ते के लिए रख दीजिए। इसको एक साफ कपड़े से छान लीजिए और जो फूल हैं उसे आप कंपोस्ट कर दीजिए। ये तेल अब तैयार है, आप चाहें तो इस तेल को अपने बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेसिपीज हमने आपके साथ पहले शेयर की हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और उसका लिंक है youtube.com/peoplefarm।